जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका करंट अफेयर्स 100 पर। हर किसी की जुबान पर एक ही क्वेश्चन है कि कौन है द्रौपदी मुर्मू जी। तो जानते हैं आज के सेशन में द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में। इनको एनडीए ने, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस ने, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन ने आधिकारिक तौर पर भारत के राष्ट्रपति चुनाव के लिए 2022 में, जो जुलाई में होने जा रहे हैं, उसके लिए नामित किया है। इससे पहले ये झारखंड की गवर्नर रही हैं 2015 से 2021 तक। पहली महिला थी जो कि झारखंड की गवर्नर रही। इससे पहले ये ट्राइबल लीडर हैं, उड़ीसा से आती हैं, और ये पहली ट्राइबल होने जा रही हैं जो राष्ट्रपति के पद के लिए अपना नामांकन दाखिल करेंगी। इनका जन्म जो है 20 जून 1958 को हुआ, बायदापोसी विलेज ऑफ मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट इन उड़ीसा। आर्ट्स ग्रेजुएट है रमादेवी वुमेन्स कॉलेज भुवनेश्वर से, उड़ीसा में ही। अब ये एक स्टेट यूनिवर्सिटी है। अपना करियर की शुरुआत जो इन्होंने की है एज अ टीचर, एज अ शिक्षक, उसके बाद ये काउंसलर रही रायरंगपुर नगर पंचायत 1997 में। उसके बाद 2000 से लेकर 2009 तक, लगभग 9 साल जो है, ये एमएलए रही हैं, विधानसभा की सदस्य रही हैं और उपराष्ट्रपति रही हैं भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की, शेड्यूल ट्राइब्स मोर्चा की, और 4 साल इनको मंत्री रहने का भी एक्सपीरियंस है। 4 साल ये मंत्री रही, उसमें 2 साल मंत्री रही ये कॉमर्स एंड ट्रांसपोर्ट मंत्री, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज, उसके बाद फिशरीज एंड एनिमल रिसोर्सेज डेवलपमेंट मंत्री रही। और खास बात यह है कि 2007 में इनको बेस्ट एमएलए का अवार्ड, दैट इज नीलकंठ अवार्ड भी दिया गया। इसके बाद थोड़ा सा भारत के अभी तक जो राष्ट्रपति रहे हैं उनके बारे में जान लेते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति रहे, 10 साल तक रहे। एक ही राष्ट्रपति हैं जिन्होंने दो अपना कार्यकाल पूरा किया, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनके जन्मदिन को हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन खुद भी एक शिक्षक रहे हैं। जाकिर हुसैन पहले मुस्लिम राष्ट्रपति बने, पहले राष्ट्रपति बने जिनका देहांत हुआ जब वो राष्ट्रपति थे। उसके बाद बीवी गिरी पहले कारावाक राष्ट्रपति बने, उसके बाद राष्ट्रपति चुनाव जीते भी और राष्ट्रपति बने और पूरा 5 साल का अपना कार्यकाल पूरा किया। उसके बाद नीलम संजीवा रेड्डी जो है भारत के यंगेस्ट प्रेसिडेंट रहे, निर्विरोध चुने गए, अकेले राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध चुने गए। पर अगर द्रौपदी मुर्मू जी बनती हैं राष्ट्रपति तो वो यंगेस्ट होंगी। कुछ ही दिनों का गैप है, वो भी 64 ऑफ एज की हैं, बट वो यंगेस्ट होंगी अगर वो बनती हैं। ज्ञानी जैल सिंह पहले सिख राष्ट्रपति बने, के आर नारायणन पहले दलित राष्ट्रपति बने, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जिनको फेमसली पीपल्स प्रेसिडेंट भी कहा जाता है, बहुत लोगों के बहुत चहेते माने जाते हैं। उसके बाद प्रतिभा पाटिल पहली महिला राष्ट्रपति बनी भारत की। तो कैसी लगी ये इंफॉर्मेशन जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन बॉक्स में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। प्लीज डू लाइक एंड शेयर द सेशन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। प्लीज बेल आइकन बटन को दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।